वाओ कितने सारे जिराफ। और मैंने पहली बार जापान में बकरी देखी, मुझे आज तक मैंने कोई बकरी नहीं देखी थी। दिखेगी कैसे? उधर है अंदर रेड पांडा, चलो ना देखने चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एज जर्नी। मैं ऐश्वर्या और मैं हितेश। बहुत दिनों बाद आज हम आए हैं तामा जूलॉजिकल पार्क। टोक्यो का सबसे बड़ा ये जू है और यहाँ पे बहुत बड़ा है, बहुत सारे एनिमल्स। यहाँ पे लायन की शटल बस भी चलती है। यहाँ पे अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, एशियन, ये सब के अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स हैं। वो तो हम आपको धीरे धीरे बता देंगे, लेकिन ये हम बाहर का व्यू दिखा रहे हैं। हमारे लोकेशन से कुछ 40 मिनट की दूरी पर है और आप शिंजुकू स्टेशन से कुछ 1 घंटे की दूरी पर मान सकते हैं। और अभी है ना यहाँ पे समर चल रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा समर जैसा है, धूप वगैरह, लेकिन ये ना हिल्स पे है तो थोड़ा ठंडापन लग रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। मौसम अच्छा है घूमने के लिए, लेकिन हाँ आपको चलना बहुत पड़ेगा, साथ आपकी प्रिपरेशन चाहिए। तो हमारे फ्रेंड्स से मिलने चलते हैं अंदर, क्यूट क्यूट से एनिमल। हमारे फ्रेंड्स ने इसके भाई बहनों से, इसके भाई बहनों से मिलने चलते हैं, चलिए। ये आ गया है हमारे पास टिकट, कितने येन का है? 600 येन पर पर्सन। चलो चलो इधर से जाना है। अब हम आ गए हैं एंट्रेंस की तरफ। चिकन तो हम अंदर भी आ गए हैं। हाँ। ये बताना, ये गाइड मैप मिला है यहाँ से, गाइड मैप मिल गया, इसको देखते जाते हैं। वहाँ पे भी बना हुआ है गाइड मैप, तो बहुत बड़ा एक्चुअली ये तामा जू, बहुत ही बड़ा है। देखते जापान में, जापान के जू में क्या क्या कुछ नए एनिमल्स या क्या क्या स्पेशल रहेगा वो आपको दिखाएंगे। अभी धूप निकल आई, एनिमल लवर्स के लिए बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है ये। यहाँ कुछ शॉप है, इतना बड़ा है ये तामा जू। और पूरे जू का मैप दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्या एनिमल्स है वो भी सब यहाँ पे दिया है। यहाँ पे ठंडक के लिए सब चल रहे हैं, कूलर टाइप फैंस लगाए हुए हैं, बहुत ठंडी फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है। तो आप समर में भी आ सकते हैं, यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली एंड बच्चों के साथ पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये जो मेरे पीछे बस दिख रही है, ये बस से भी आप पूरा जू कवर कर सकते हैं और इसका कोई चार्जेस नहीं है ना इसके, इसी लेकिन में। वो घुमा आपको, वो देखने वाली बस नहीं कि बाहर देख सकते, वो सिर्फ आपको अलग अलग स्टॉप पे उतार देगी। अगर आपको जल्दी जाना है, इसमें गाइड मैप में दिया हुआ है, बस का पूरा रूट दिया हुआ है। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि अच्छा वेदर है, देख नहीं पाएंगे ना वो। क्या है ये? बेकार स्मेल आ रही है, मलेशियन पिग, मलेशियन सुअर की स्मेल का। मुझे तो नहीं आ रही है स्मेल, बहुत बेकार स्मेल आ रही है इसकी। पोटी बोरा बोरा पत्तियां खा रहा है। मलेशियन तापीर लिखा है, आई थिंक तापीर मीन्स पिग होता होगा, आई एम नॉट श्योर। बग लिखा, मारे बाग के। थोड़ा स्ट्रेंज टाइप का जानवर है, मैंने पहली बार देखा है इस टाइप का। उसका ऐसा मुंह है, देखो यहाँ से पास में दिखेगा, इसमें देखो ये इस टाइप का उसका मुंह है। मुझे पता नहीं है, दूर से तो ऐसा दिख नहीं रहा, दिख रहा है थोड़ा मतलब, लेकिन थोड़ा दूर है। ऐसे ही तो है, उसी का फोटो। थोड़ा घोड़े टाइप भी है, थोड़ा सुअर टाइप भी है, मिक्स है। बट हाँ फर्स्ट टाइम देखा जो भी है। अच्छा तालाब अच्छा है, ठंडक हो गई थोड़ी। यह है गॉड हाउस पूरा, यहाँ पे गॉड्स है। और मैंने पहली बार जापान में बकरी देखी, मुझे आज तक मैंने कोई बकरी नहीं देखी थी। दिखेगी कैसे? वो खा जाते हैं, यहीं पर दिखेगी। हाँ यहाँ पे उसका पानी पीने का है। अच्छे पैरट है, मस्त रंग बिरंगे। हाँ पैरट्स तो इंडिया में भी देखे, देखा तो सही पैरट। अभी हम सब एशियन वाले में घूम रहे हैं, इधर लिखा है एशियन पार्क है। किधर? एशियन, ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन। एशियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन। वाओ, रेड पैरॉट कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये। हाँ। ये तो खुले में ही है, बाहर में उड़ते नहीं होंगे और क्या, या फिर कुछ होगा उनका बांध रखा होगा, पता नहीं क्या है। ऐसे अपन ने इंदौर के चिड़ियाघर में भी देखे थे। हाँ। वाओ सागी-चान, एक ये रहा सागी-चान कावाई में, बहुत बड़ा है ये तो। अंदर बर्ड्स केज है शायद। हाँ, बर्ड्स केज है, खुलने में रखी है। हाँ। तुम बर्ड्स के साथ में खुलने में रह सकते हो। वाओ, डक है ना ये डक टाइप के ही कुछ दिख रहे हैं। बगुले हैं, बगुले। अलग अलग टाइप के हैं, एक स्पून भी। हाँ, ये स्वान भी है इसमें, स्वान, बगुले, सब बहुत कुछ। गूस है, इंडियन स्पॉट बिल डक। हाँ, इंडियन का टाइप का डक भी है, वो रहा। हाँ। ये छोटी गर्दन वाली टाइप्स ऑफ डक, उनके अलग अलग वो है, पिंजरे बना के रखे ऊपर खुले में, मतलब घर छोटे छोटे। वो कितनी बड़ी बड़ी चोंच है उनकी, भागो यहाँ से, मार देंगे, मारेंगे। ये इस टाइप से बना हुआ है बर्ड केज। अभी जहाँ से हम आ रहे हैं बहुत सारे बर्ड्स थे, लेकिन जितना शूट कर पाई कर लिया। अब आपको दिखाएंगे हम मेन चीज, वो है एशियन एलिफेंट्स। और देखते हैं यहाँ पे कितने एलिफेंट हैं। एक दो मिल जाएंगे। आपको पता है कि नेहरू जी ने एक, शायद नेहरू जी ही थे, उन्होंने एक एलिफेंट जापान को गिफ्ट दिया था। शायद उनका पुराना एलिफेंट मर गया था, तो चिड़ियाघर के लिए गिफ्ट दिया था नेहरू जी ने। इतना मुझे तो, मैंने कहीं जगह पढ़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखते हैं देखते हैं उसी एलिफेंट के बच्चे हमको दिख जाए, हो सकता है। इसके एंट्रेंस में ऐसे एलिफेंट के पैर की डिजाइन बना दिए। ये बहुत बड़ा एलिफेंट हाउस है, और इसको देखने के लिए हम यहाँ ऊपर आए हैं। ऊपर से इसको देखेंगे। दो ही एलिफेंट दिख रहे हैं, लेकिन उनके लिए इतना बड़ा है, जगह इतनी बड़ी बना के रखी है। ये देखिए, पूरा हिल्स पे आ गए हम लोग। देखते हैं आगे और क्या देखने को मिलेगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं चिंपांजी। चिंपांजी और उसका आकाचान बैठ के मजे से कुछ खा रहे हैं। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ स्पेशली ऐसा फील नहीं हुआ कि जापान के जू में हैं हम। ऐसा लग रहा है इंडिया के किसी जू में जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे और क्या क्या आता है। ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया के किसी जू में विजिट कर रहे हैं हम। हाँ, ऑलमोस्ट ऐसी फीलिंग है। रेड पांडा, वाओ। शायद अंदर है उधर, पता नहीं, यहाँ पे नहीं है। उधर है अंदर रेड पांडा। चलो ना, देखने चलते हैं। पूरा सोया हुआ है ऊपर। अरे है, वाओ, सो क्यूट। कितना मजे से सो रहा है, बिल्कुल। ताकिन। हाँ, इस टाइप का ताकिन, पता नहीं, पहली बार देखा हूँ। इधर से अच्छा दिखा, ये वाला देखो। करो उसको, कर लिया, कर लिया। मुट्ठी करते करते ये फेस अब दिखा है इसमें। उसके तक धार चल रही। इतनी देर से मुंह दिखाई तो कर रहा था बेटा, अभी तक बकरी जैसा दिख रहा, आधा बकरी जैसा। ताकिन, ताकिन एनिमल फर्स्ट टाइम देखा आपने, जापानीज एनिमल है ये। ऐसा लिखा है यहाँ पे जापानीज एनिमल ही होगा जापान में तो। चाइना लिखा है। हाँ चाइना का है यहाँ पे, यहाँ का अपने इंडिया के ऊपर वाला एरिया। जो भी, लेकिन इंडिया में तो नहीं देखा था। यह तुम्हारा फेवरेट उमा, उमा का उमाई। आहा स्माइल देख लो, बंदे की स्माइल देख लो। इसकी हेयर स्टाइल बड़ी प्यारी लग रही है, देखो ना। ये देखो मस्त है ना हेयर स्टाइल। वो तो फूल रहा है, आया आया। ये है इतना बड़ा कोआला हाउस। यहाँ पे फोन का फ्लैश ऑफ ही रखना है, वार्निंग दी है, इसलिए मैं आपको सॉरी अंधेरे में दिखा रही हूँ। वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो सोया हुआ है। हाँ। बड़ा सारा नीचे देखो ओ देख लिया। कैसा दिख रहा है वो, रहा ऊपर बैठा हुआ है। गुस्से में सो रहा है वो। अब ये छोटा सा पार्क है और फूड और ड्रिंक की शॉप है। यहाँ पे बैठ के छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी कूलिंग फैंस लगे हुए हैं, मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मोकिन रूई, मोकिन रूई मतलब बाज, सी ईगल है, गोल्डन ईगल है, वेराइटी ऑफ ईगल्स। वाओ कितने सारे जिराफ, एक तो ये रहा। Oh my God! Wow! टिकट तो हम पास में नहीं बैठ पाए। बैड लक, बैड लक। यहीं से आपको लायन दिखाते और हम भी देखते। ये लड़की को देखो, लायन देखने के लिए कैसे मारे जा रही। देखो देखो, रुको जरा सब्र करो। अच्छा दिख रहा है, देखो दो लायन है। वो दो, वो रे वो वहाँ आगे गया है, वो रहा। वो बस का टिकट लेते ना तो एकदम पास से घुमाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ से देख लिया। बस का टिकट 2 बजे खत्म हो गया था। इतनी भीड़ जाता है, देखने में ज्यादा मजा आ रहा है ना। हाँ इसको जरा जूम कर दूं। ये देखो बस से जाते तो एकदम पास से दिखाती, ये और ये।